कांग्रेस पार्टी ने भी इस अवसर पर अपना घोषणा पत्र जारी किया। सबसे पहला काम किया है किसानों का कर्जा माफ, और दूसरा सबसे बड़ा काम किया है हमारे गरीब भाइयों का, हमारे दलित आदिवासी भाइयों का, हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों का जो समूह से जुड़े हैं, स्व सहायता समूह, उन समूह से जो जुड़े हैं उनका संपूर्ण लोन माफ करने का निर्णय लिया है। जो समूह में आपने लोन और ऋण ले रखा है कर्जा, वो संपूर्ण कर्जा कांग्रेस पार्टी माफ करेगी, सरकार में आते से ही 15 दिन के अंदर माफ करेगी। दूसरी बात, मेन बात ने मैं बता दूं, नंबर दो सबसे बड़ा निर्णय लिया आवास का। आवास जो आपको मकान मिलते थे प्रधानमंत्री आवास, अब वो नाम हो जाएगा इंदिरा आवास, और उसके रुपए मिलेंगे 2.5 लाख। अभी तक कितने थे? 1,20,000, 1,20,000 और 1.5 लाख अलग अलग मिलते थे। अब मिलेंगे 2.5 लाख रुपए, जिसमें आपका घर बनेगा, उसके अंदर एक किचन होगा, रसोई घर, एक हाल, टाइल्स लगेगी, सीमेंट कंक्रीट प्लास्टर होगा पूरा, ऊपर छत डलेगी, दरवाजे खिड़की सब उसके अंदर आएंगे। ऐसी योजना कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि हमारा गरीब भाई जो अंतिम छोर पे बसा हुआ है उसको कांग्रेस पार्टी मुख्य धारा में लाके समाज में मान सम्मान का जीवन देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। नंबर 3, विवाह योजना, कन्यादान योजना में अब हमारी बहनों को, बेटियों को 51,000 रुपए का गृहस्थी का सामान कांग्रेस पार्टी देगी। नंबर 4, पेंशन 300 रुपए से बढ़ा के पेंशन, किसी भी प्रकार की पेंशन, विधवा, वृद्धा या विकलांग, निराश्रित पेंशन 1,000 हो गई है, 1,000 करने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ले रही है। जिस व्यक्ति के पास अगर जमीन नहीं है, अन्य भाई पास जमीन नहीं है, मकान बना रहा है, उसको 450 स्क्वायर फीट का पट्टा भी देंगे, उस पर उसका मकान का निर्माण भी करेंगे, उसको सुपुर्द करेंगे, अधिकार भी देंगे, और उस अधिकार के बाद अगर उसको दुख सुख में उसको गिरवी भी रखना है, बैंक के अंदर लोन लेना है, उसका भी निर्णय कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। इस तरह का प्रावधान कांग्रेस पार्टी ने किया, और सबसे बड़ा अगर क्रांतिकारी निर्णय है तो है बेरोजगारी का। हमारे हर परिवार में एक दो बच्चे बेरोजगार है, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को, युवा सदस्य को 4,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का भी निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया। जब तक नौकरी नहीं लगेगी जब तक। हाँ, और सुनो, ये छोटी छोटी बात नहीं, एक बड़ी बात होती है। 35 किलो गेहूँ, चावल, शक्कर, दाल, नमक और